घाट पहुंच गए हैं और वो बापू की समाधि पर पुष्पांजलि करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये दिन बहुत बड़ा है क्योंकि उनके तीसरे कार्यकाल में ये पहली बार है। Reverence and gratitude to find the path to lead with foresight to keep the faith and walk in spite to hold your ground when no hope is found that's the flame that spreads the light प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्प अर्पित करते हुए 1948 में महात्मा गांधी की अंत्येष्टि के बाद इसका निर्माण हुआ। यमुना किनारे बापू की ये समाधि, उनके अंतिम शब्द हे राम जो लिखे हुए हैं समस्त राष्ट्र की ओर, इस समाधि पर और समाधि के पास वो शाश्वत ज्योति जो इस देश को ये याद दिलाता हुआ कि पूरा देश हमेशा आजादी के जश्न में बापू के सामने अपना सिर झुकाता है, सिर नमन करता है। हे राम उनके आखिरी शब्द थे और वहीं पर पुष्प अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब राजघाट के लिए प्रस्थान करेंगे। ये क्षण ऐतिहासिक है। लाल किले के एंगल से अब आप इस पूरे नजारे को देख रहे हैं। आज की ये सुबह इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि हम 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। देश की आजादी के उन वीर सपूतों को एक साथ मिलकर याद कर रहे हैं जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश की आजादी के लिए न्योछावर कर दिया, अपनी जान की कुर्बानी को भी छोटी समझी ताकि ये देश आजाद रहे। आज जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक हर कोने में जश्न है और बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये हम आपको 10 सालों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर वर्ष उतना ही खास क्योंकि 2014 में स्पष्ट जनादेश के साथ जब बीजेपी की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनी, वहां से लेकर 2024 आज का ये वर्ष जब पीएम को आप देख रहे हैं, हमेशा भारत के पारंपरिक रंगों को, वेशभूषा को अपने कपड़े में, अपने साफे में शामिल करके इस देश की पहचान को अमिट तौर पर लाल किले के प्राचीर से अंकित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहल करते हैं। 2014 से लेकर 2015, 16, 17, 18 जब उनका पहला कार्यकाल चला और उसके बाद 2019 से लेकर 2023 तक जब प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने तिरंगे को लहराया, तीसरे ऐसे पीएम बन रहे हैं जो लगातार 11वीं बार लाल किले के प्राचीर से तिरंगा लहराएंगे और इसी के साथ देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर वर्ष अपने भाषण में कुछ ना कुछ खास कहकर देश को संबोधित करने की कोशिश की है। आपको बताएं औसतन उनका जो भाषण का की अवधि रही है वो 82 मिनट है, 82 मिनट्स। सबसे पहले 2014 में उन्होंने 65 मिनट का भाषण दिया था लेकिन उसके बाद 2015 में वो 88 मिनट का हुआ, फिर सबसे लंबा 2016 में 94 मिनट का भाषण, उसके बाद सबसे छोटा 56 मिनट का भाषण 2017 में दिया, 18 में 83 मिनट का, 2019 में 92 मिनट का और फिर औसतन 82 मिनट का भाषण देते हुए 2023 में उन्होंने 90 मिनट का भाषण दिया था। इस बार भी माना जा रहा है कि इसी के आसपास उनका यह भाषण होगा, तीसरे कार्यकाल का उनका यह पहला भाषण जो आज वो वहां से देने वाले हैं। एनालिस्ट कहते हैं लगभग 8000 शब्दों का औसतन उनका भाषण होता है और देश में क्या रूपरेखा होगी सरकार की, क्या सोच एक देश की होगी, ये सब वो बताते हैं। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं। सियासी रूप से देखें तो हमेशा उनके भाषणों पर चर्चा होती है लेकिन आजादी का ये जश्न बड़ा है। अगर हम सियासी रूप से इसे देखें तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि, अगर हम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के तौर पर देखें तो एक नया इतिहास गढ़ते हुए 11वीं बार लगातार पीएम आज तिरंगा फहराएंगे लाल किले से। हिमांशु, हिमांशु आपको आवाज आ रही है?
तो जश्न ये आजादी का है, आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए स्वतंत्रता के इस 78वें दिवस पर, जब पूरा देश एक सुर में जय हिंद कह रहा है और उन लोगों की कुर्बानियों को याद कर रहा है जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। लाल किले के प्राचीर को इसलिए चुना जाता है क्योंकि यही लाल किला हमेशा से इस देश के हर बड़े छोटे लम्हे की गवाही देता रहा है। आजादी के जश्न में भी और आजादी के संग्राम में भी लाल किले की एक अहम भूमिका रही है। जो लाहौरी गेट आप देख रहे हैं, यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में लाल किले के प्राचीर की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले उनके यहां पर पहुंचने के बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। गार्ड ऑफ ऑनर की निरीक्षण करने के बाद वो लाल किले में लाहौरी गेट से प्रवेश करते हुए प्राचीर पर जाएंगे, जिसके बाद झंडारोहण, राष्ट्रगान और फिर एयरफोर्स के जो विमान है वो पुष्प वर्षा करते हैं। आजादी के रंगों में रंगे बलून्स को आजाद किया जाता है हवाओं में, और उसके बाद प्रधानमंत्री छात्रों से, बच्चों से वहां मिलने के बाद वहां से अक्सर रवाना होते हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, आज की सुबह पूरे देश के लिए खास, लेकिन दिल्ली में क्या इंतजाम, और पीएम राजघाट पर बापू की समाधि पर पुष्पांजलि के बाद अब सीधे लाल किले के लिए बढ़ रहे हैं, बताइए। जी बिल्कुल, थोड़ी देर पहले ही जब वो निकले थे तो तमाम जो रास्ते थे उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। दरअसल इस बार जो इनपुट मिले हैं तमाम एजेंसियों से वो बेहद स्पेसिफिक है, और यही वजह है कि दिल्ली ने न सिर्फ पुलिस ने जो लाल किला है उसे अभेद्य बनाया है, बल्कि दिल्ली में भी जगह जगह सिक्योरिटी है। अब ये जो कैमरे आपको यहाँ खंभे पे लगे दिख रहे हैं, ये तमाम जो रूट है, क्योंकि जहां पर हम खड़े हैं यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर ही लाल किला है, और वहां पर इस पूरे रास्ते पर इसी तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है, क्योंकि जो इनपुट है वो बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ अलग बढ़ रहा है, क्योंकि ड्रोन का खतरा सबसे ज्यादा है। तो जो पुलिस के लोग जो तैनात आपको सड़कों पे नजर आ रहे हैं वो इन हमलों से कैसे निपटेंगे, इसके लिए उन्हें पूरी ट्रेनिंग दी गई है। इसके अलावा जो इनपुट है वो दूसरे तरीके के तमाम जो जम्मू में हमले बढ़ रहे हैं उनको देखते हुए भी सिक्योरिटी के एक्स्ट्रा यहां पर अलग से इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि लगातार इनपुट मिल रहे थे कि आतंकी नए तरीके अपना सकते हैं। तो जो रास्ते जाते हैं लाल किला, क्योंकि किला तो अभेद्य है, लेकिन जो रास्ते जाते हैं उन पे नजर कैसी रखी जाए, इसलिए जो कैमरे लगाए गए हैं सीसीटीवी, उनमें एआई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी लगाया गया है। अब ये जो भी कैमरे लगे हैं इन कैमरों को लगातार वॉच किया जा रहा है, लगातार कंट्रोल रूम में बैठे लोग इसको देख रहे हैं, और कोई भी अगर सस्पेक्ट नजर आएगा तो आप देखिए जो तैनाती है मौकों पर, जो उस इलाके पे जो बीट पे तैनात रहेंगे फौरन उन्हें सतर्क किया जाएगा। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन किया गया है। इसके अलावा जो तमाम एहतियाती कदम उठाए गए हैं हिमांशु, ताकि कोने कोने में दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम हो, और जो रास्ते लाल किले की तरफ जाते हैं वहां पर किस तरह के गहरे सुरक्षा इंतजाम है, सख्त इंतजाम है, वो आप दिखा ही रहे हैं, हमारे सहयोगी भी बता रहे थे। तमाम केंद्रीय मंत्री को आप देख रहे हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह से लेकर नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सभी वहां पर मौजूद हैं। जो गठबंधन के साथी हैं ललन सिंह भी उसमें दिखाई दे रहे हैं, अन्य जो अधिकारी हैं वो भी अपने परिवार वालों के साथ वहां पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब हम आपको एक अलग सफर पर लिए चलते हैं, हम आइए आपको दिखाते हैं 2014 से लेकर 2023 तक इसी लाल किले के प्राचीर से बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या खाका देश के लिए खींचा, क्या उन्होंने कहा, क्या रूपरेखा रखी। सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर से हम करेंगे, इस बात का ऐलान बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से 2014 में किया था। एक एक करके ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, अब वो क्षण बहुत करीब है। स्वच्छ भारत कैंपेन की शुरुआत हम 2 अक्टूबर से करेंगे, इसी के साथ प्रधानमंत्री धन जो जन धन योजना है उसकी भी उन्होंने यहां पर चर्चा की थी, ऐलान किया था, और उन्होंने प्लानिंग कमीशन को हम जल्द बदलकर एक नई संस्था बनाएंगे इस बात की चर्चा की थी। संसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर से शुरू करेंगे, जिसमें हर सांसद अपने अपने इलाके में अपने अपने क्षेत्र में एक एक गांव को गोद लेगा। और ये देखिए प्रधानमंत्री का काफिला वहां पर पहुंच चुका है। इसके बाद 2015 में उन्होंने बात की स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया की, और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचते हुए सबसे पहले गार्ड ऑफ ऑनर, जिसका वो निरीक्षण करने वाले हैं, और उसके बाद ही वो लाल किले का रुख करेंगे। गेट पर प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए तैयार देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, रक्षा सचिव
और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार। भव्यता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए वहां पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद जब वो अपने काफिले के साथ उस हिस्से में जाएंगे वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनका स्वागत करेंगे। उनके साथ रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ मौजूद हैं और इसी के साथ सेना के अधिकारी लाहौरी गेट से प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया जाता है। गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। अगर उनके पूरे कार्यकाल को देखिए तो सबसे पहले आरएसएस के एक सेवक के तौर पर उन्होंने 8 वर्ष की उम्र में एक नया कदम, एक नया सवेरे की तरफ वो बढ़े थे और उसके बाद से एक नए राजनीतिक भविष्य की तरफ वो बढ़े जब वो सक्रिय रूप से एक नव निर्माण आंदोलन में गुजरात में शामिल हुए थे। फिर वो अलग अलग पदों पर नियुक्त किए गए, लेकिन इसी के साथ साथ जो सोमनाथ से रथ यात्रा चली थी उसमें आप कह सकते हैं कि उसके ऑर्गेनाइजर के तौर पर उनकी भूमिका बड़ी रही। प्रभारी के रूप में वो अलग अलग हिस्सों में भारत के कोने में बीजेपी में काम करते रहे। उसके बाद वो सीधा गुजरात के मुख्यमंत्री बने 2002 के दंगों के बाद। वहां पर उन्होंने फिर चुनाव लड़कर लोगों का मैंडेट हासिल किया। लगातार वो वहां पर मुख्यमंत्री गुजरात में बने रहे और उसके बाद 2014 के बाद तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर आज लाल किले के प्राचीर से तिरंगा लहराने के लिए पहुंचे हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ वहां पर मौजूद है और इसके बाद गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से पेश किया जाएगा। ये देखिए, ये वो सेना पुलिस सम्मान, संयुक्त सेना पुलिस सम्मान जिसके साथ उनके गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया जा रहा है। Commander Arun Kumar Mehta informing the Prime Minister that the guard is ready for inspection and requesting him to do the inspection. And once the inspection starts, the band positioned there will strike guard of honor ka nirikshan karte hue Pradhanmantri Narendra Modi और जो बैंड वहां पर है वो अब स्लो मार्च के धुन को बजाएंगे जिसके साथ प्रधानमंत्री गार्ड ऑफ ऑनर के निरीक्षण के लिए अब आगे बढ़ने वाले हैं। स्लो मार्च का धुन से कहा जाता है और इसी पर पीएम आगे बढ़ रहे हैं। The inspection of the Guard of Honor complete. The Prime Minister. Guard of Honor का निरीक्षण खत्म होने के बाद अब लाहौरी गेट से प्रधानमंत्री सीधा लाल किले के प्राचीर पर पहुंचेंगे और फिर सबसे पहले देश का तिरंगा वो फहराएंगे। हम आपको बता रहे थे कैसे हर भाषण में प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से 2014 में स्वच्छ भारत की चर्चा की थी, तो उसके बाद 2015 में स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की चर्चा की, 2016 में
उन्होंने 9000 पोस्ट ग्रुप सी ग्रुप डी जॉब्स में खत्म करने की बात की थी, लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि पीओके गिलगित बल्तिस्तान जो लोग हैं बलूचिस्तान गिलगित के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उन्होंने मुझे धन्यवाद किया है, ये गर्व है हम सब के लिए, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था 2017 में। उन्होंने कहा था कि चलता है वाला अब रवैया खत्म होगा, बदल सकता है, चल सकता है, खत्म करना है, हमें एक नया हिंदुस्तान बनाना है, न्यू इंडिया की उन्होंने बात की थी।